हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो वो कौन सा नंबर है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना या रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है तो आप ऑनलाइन कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये सारी जानकारी ये बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक भी नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसमें हम लोग सिंपली टाइप करेंगे UIDAI। ये टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि UDI की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा रहा है आधार वेरीफाई एंड आधार नंबर। फ्रेंड्स, सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप लोगों का अपना आधार नंबर टाइप करना है। जो भी आधार नंबर है वो वहाँ पे आप सिंपली टाइप कर देंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा शो करेगा। यहाँ पे आप कैप्चा को जैसा लिखा रहेगा वैसा इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका दिखा देगा आधार नंबर, आधार वेरीफाई कंप्लीट। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मेरा आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, लेकिन इसमें नंबर शो नहीं हो रहा है कि कौन सा मेरा नंबर इसमें जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दूसरा आधार कार्ड डाल के दिखा रहा हूँ कि मेरा कौन सा नंबर उसमें जुड़ा है दूसरे आधार कार्ड के। तो चलिए मैं उसको फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरा आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है। तो आप देख कौन सा नंबर लिंक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपना आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।